फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS09/105 को देखेंगे और इसमें आज हमें क्या करना है, लेवल्स ऑफ क्या है, रिसोर्सेज ऑफ शेयरिंग नेटवर्क के बारे में जानना है। अब लेवल्स क्या है, यानी कि भाई लेवल्स आपके कहीं ना कहीं, जैसे आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या है गवर्नमेंट होती है, लेवल्स उसके भी होते हैं और आपके क्या है नेटवर्क होते हैं कि भाई ये क्या है लैंड है, ये मैंने, तो उसी तरह से हमारे क्या है रिसोर्स के भी कहें शेयरिंग के भी नेटवर्क आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको मिल जाए। यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर आपका 5 हो गया और टॉपिक है हमारा संसाधन शेयरिंग नेटवर्क के स्तर। क्या है स्तर? अब इसमें क्या चीज़ है भाई, जो संसाधन होते हैं साझा करने के नेटवर्क होते हैं। अब ये बताओ, आपने लैंड पढ़ लिया, मैन पढ़ लिया, वैन पढ़ लिया, ऐसे भाई स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, आपके क्या है अंतर्राष्ट्रीय सरकार, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे नेटवर्क होते हैं 3। पहला क्या है स्थानीय, दूसरा क्या है क्षेत्रीय, फिर आपका क्या हो जाएगा राष्ट्रीय, या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अगर ऐसा आप 4 महीनों में लिखना चाहो तो 4 महीनों में लिख सकते हो, 4 कैटेगरी में। अब ये क्या हो जाएंगे, देखो हमें क्या करना है, मान लो ये आपके क्या है, ये आपका एरिया है, मान के चलिए कोई भी पिन कोड लेके चलते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कोई सा भी पिन कोड ले लें, 1111 0058 ले लेते हैं, 58 लिया मैंने। अब इसमें क्या है, सारे क्या है, इसमें क्या है स्थानीय में कई लाइब्रेरी है, मान के चलते हैं इस पिन कोड में 100 लाइब्रेरी है, तो 100 लाइब्रेरी क्या कर रही है, साझा कर रही है अपने, यानी कि अपने जो डॉक्यूमेंट शेयर है या फिर इंटर लाइब्रेरी लोन है, जो चीज़ें हैं वो साझा करने के लिए एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है उन्होंने। क्या कर रहा है, लोकल में कहीं ना कहीं नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। अब क्या कर रहा है, यानी कि दिल्ली में, पूरी दिल्ली में क्या है एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, दिल्ली और दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो दूसरा नेटवर्क क्रिएट हुआ वो ये वाला नेटवर्क क्षेत्रीय वाला, क्षेत्रों में चला गया। अब फिर आता है राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र की क्या है, राष्ट्र में पूरे राष्ट्र में क्या है, जहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्र के संघ सूची की तैयार करने के लिए और सेवाओं को देश के अंदर और बाहर की उपयोग, यानी कि उपयोगकर्ताओं के लिए प्रदान करने की बात आती है, तो वो आ जाएगा राष्ट्रीय की बात आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय में क्या है, बाहर की बात आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या होता है, संसाधनों को शेयर करने के लेवल्स है। यानी कि पहले क्या करा आपने, यानी कि आप अगर लेके चले, तो आप अगर कोई गेम की बात लेके चले, तो क्या आप पहले स्कूल लेवल में जाते हो, फिर क्या है आपके स्टेट लेवल में जाते हो, ठीक है, फिर क्या है आप क्या कर रहे हो, स्टेट लेवल से क्या कर रहे हो अपने, यानी कि स्कूल लेवल में चले गए, फिर इंटर स्कूल हो गया, सॉरी स्कूल के बाद इंटर स्कूल, इंटर स्कूल के बाद आप क्या करोगे स्टेट में चलोगे, स्टेट के बाद क्या कहीं ना कहीं स्टेट पूरा का पूरा चला, यानी कि उस स्टेट में आपके सारे ज़िलों के हिसाब से चला कि क्या है आगरा का, लखनऊ का, इधर के सारे आ गए, फिर आपका क्या है स्टेट आ गई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे क्या है नेटवर्क भी क्रिएट होता है, और नेटवर्क क्रिएट होने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है उनसे संबंध, यानी कि आप क्या कर रहे हो, मान लो आपकी कोई किताब आ रही है, कोई किताब है जो इंपॉर्टेंट है और पाठक को चाहिए, तो क्या कर रहा है वो मान लो मुंबई में है, तो मुंबई से कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं मंगाई और पाठक के लिए या तो उसने वर्बली भेजी, सॉरी वर्बली बोल ऑनलाइन भेजी, या फिर उस तरह से भेजने का फ़ायदा क्या है। अब इसकी समस्या और इसके क्या है महत्व को, महत्व या महत्व लिखिए, महत्व को, महत्व क्या है इसके, महत्व ये है कि कहीं ना कहीं ये क्या करता है पाठक की और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ये क्या करता है सभी को एक साथ जोड़ने का काम करता है, इसके महत्व है। ये क्या करता है, ये हमें एक क्या करता है सुविधा प्रदान करता है, कहीं ना कहीं एक संबंध अच्छे स्थापित करने की बात करता है। अब इसकी आती है समस्या, है समस्या भी तो कुछ होगी, समस्या की बात लिखना है ना, मैं समस्या, ठीक है, समस्या क्या है, जो पुस्तक के यानी पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को मदद करने के लिए अन्य पुस्तकालय के साथ क्या करना पड़ता है संसाधनों को साझा करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है,
कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं हम अगर मान लो रेयर है, और रेयर को हम क्या कर रहे हैं, साझा भी करना है, और हम दे भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आपके देखने मिले। अंतर पुस्तकालय ऋण का अतिरिक्त बोझ उठाने का उत्सुक नहीं होते, पर उन्हें उठाना पड़ता कभी कभी, ये भी समस्या है। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपके कमज़ोर संचार लिंक, यानी कमज़ोर अगर संचार का लिंक है तो कहीं ना कहीं उसमें जैसे आपका मान के चलिए आपने देखा होगा पहले आज से यानी कि 2G के टाइम पर आपको दिवाली पर आपका क्या होता था मैसेज, या फिर नए वर्ष के पर मैसेज आपने भेजा 12 बजे, वो मिला आपके दोस्त को क्या बोलते हैं 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। तो ऐसे क्या है, संचार व्यवस्था में भी आपको कहीं ना कहीं, पर आज के टाइम पर क्या है डायरेक्ट मिल जाता है, व्हाट्सअप है। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, 5G टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या है साथ के साथ मैसेज मिल जाते। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है नेटवर्क के बेस्ड होती है, और नेटवर्क के कहीं ना कहीं समस्या हमें देखने मिलती है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, फिर इसके अंदर आपकी क्या है, इसमें समस्या एक चीज़ और है, भाषीय समस्या। भाई क्या है, मान के चलो अब क्या है, हम चल रहे हैं आंध्र प्रदेश में, कोई किताब है आंध्र प्रदेश में छपी हुई है, वो आंध्रा भाषा में छपी हुई है, या फिर मान के चलो वो कोई किताब है अलग लैंग्वेज में छपी हुई है, और हमें स्टूडेंट को चाहिए हिंदी का, फिर हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन सर्विस में, ट्रांसलेशन विभाग में जाना पड़ेगा। जो आपको कितनी सर्विस बताई थी, 7 सर्विस बताई थी, तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन सर्विस में जाना पड़ेगा, वहाँ से ट्रांसलेशन करानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं सर्च, यानी कि आपके लेवल्स ऑफ, यानी कि लेवल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग की बात कर रहे हैं नेटवर्क की। अब आता है इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की भूमिका। अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की भूमिका में सबसे पहले ध्यान नाम लिख लो इफ्ला का। चलो एक चीज़ आपसे मैं अभी पूछता हूँ, क्वेश्चन वैसे एक ही बच्चा सिर्फ आंसर देता है, उसे मैं उसी पे भरोसा कर रहा हूँ, और उसी जगह पूछता हूँ, भैया ये बताओ इफ्ला है कहाँ, प्लेस बताओ, इसका देश बताओ, सिर्फ देश बताना, प्लेस और यानी इफ्ला है कहाँ पर। इफ्ला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, और इफ्ला की, चलो एक और चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, दोनों क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन जो मैं आज ये पूछ रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आते हैं, लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आपके, जब आप बिलीव कर लोगे लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इफ्ला की फुल फॉर्म, ठीक है, इफ्ला की फुल फॉर्म बताओ, और इफ्ला है कहाँ पर, आपको ये बताना चाहिए। ठीक है, अब इफ्ला आया कब था, यानी कि इफ्ला एक क्या है, एक तरह से आपका ये आपको कहाँ पर मिला है, यानी कि 70 आपके जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इफ्ला क्या कर रही है, कहीं ना कहीं आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, और कहीं ना कहीं जो थीम्स है, जो लाइब्रेरी के महत्व है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो उसका प्रकाशन के कार्य है, और संबंधित महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय लोन के ऋण के तौर पर मापदंड के स्थापित करने के, अंतर्राष्ट्रीय लोन प्रणाली की दक्षता के बारे में, ये सारी क्या कर रही है इफ्ला कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आती है यानी कि इसके और चीज़ समझ लीजिए, संसाधन साझा करने के संबंध में आपके USP, यानी कि कुछ विशेषता है उसकी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान के चलिए उसका उद्देश्य था निश्चित करना कि कहीं ना कहीं दुनिया में किसी भी भाषा में, किसी माध्यम से, और किसी उपयोगकर्ता को कुछ भी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचाना सके। किसके माध्यम से, भाई आपके टाइम पे, आज के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, ये बैठे हो आप USA में, ठीक है, यहाँ पर चाहिए इंडिया में क्या कर रहे हो, इंडिया के स्टूडेंट को किताब चाहिए, मान लीजिए इंडिया के स्टूडेंट को कोई सी भी किताब चाहिए, तो वो ये थोड़ी कि क्या किताब का कोरियर करके भेजेगा, नहीं, उसी क्या है एक कॉपी भेज देगा और उसे परमिशन दे देगा कि आप इसकी प्रिंट निकाल लो, या फिर लाइब्रेरी को परमिशन मिलती है कि क्या है आप उसकी कॉपी कर सकते हो, यानी कि विद्या, यानी कि एक तरह से उपयोगकर्ता के तौर पर, यानी कि उपयोगकर्ताओं को चीज़ें प्रदान करने की चाहिए। ठीक है, फिर आपका कहीं ना कहीं प्रत्येक देशों के उपलब्धियों की समस्या संबंधित वर्तमान स्थिति को प्रगति का आकलन करने की बात आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे चीज़ों को लेके चलते हैं, और इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात आती है। अब आता है इसके बाद आ जाएगा इंडेस्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए, इंडेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना फुल फॉर्म सारी मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप
आप इसे एक एक्स्ट्रा कॉपी बना सकते हो, तो सारी फुल फॉर्म लिख लो, सारे सन लिख लो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं भागना। बिलीव करने के बाद जैसी क्या है लाइब्रेरी की वैकेंसी के लिए, सबसे पहले इन चीज़ों को रट लेना, फुल फॉर्म रट लो, प्लेस रट लो, भाई ये कहाँ पर है, प्लेस, तीन चीज़, इनाम, प्लेस, कब आया यानी कि स्थापना, और उसकी क्या है, एक कब बना, एक स्थापना, ठीक है। फिर आपका क्या है, आपको क्या लिखनी है उसकी फुल फॉर्म। ये पांच चीज़ लिख ली, आपका 50% चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन तो आने ही आने, 10-15 तो 20 क्वेश्चन तो मान के चलो ज़्यादातर, बट छोटे एग्जाम में 20 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इफला की फुल फॉर्म पूछ लेगा, IELTS की फुल फॉर्म पूछ लेगा, फुल फॉर्म का मैच करा लेगा, फुल फॉर्म यानी कि इसके क्या आपको चीज़ें पूछ लेगा। तो ये आपको क्या है, अब ये पढ़ना है हमें कल, ठीक है। ठीक है, तो ये थी आपके सारी चीज़। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में सबसे ज़्यादा आपका सिर्फ एक का मेन है, जो कि है इफला, ठीक है। इफला का नाम याद रख लेना, इफला कहीं ना कहीं, इफला ने कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ें को लेके चला। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन साझा करना को, उसके जो भूमिका अदा करी है उसको क्या कि किस तरह से नियम होने चाहिए, किस तरह से कानून होने चाहिए, किस तरह से आपको एजेंसी के लिए कार्य करना है, किस तरह से हमें लेके चलना है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय आपके अंतर्राष्ट्रीय सॉरी अंतर पुस्तकालय लोन को लेकर चलना है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कहीं ना कहीं बुक को डिलीवर कैसे करा जाएगा, बुक को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफला और इस तरह की चीज़ों ने ध्यान में रखा। और इफला की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को चाहे शेयर करें। थैंक यू।